कल हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी थी हमने, कल हमने देखा था कि अगर दो से ज्यादा नंबर आ जाए तो उसको एक्सपेंड कैसे करते, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट बतानो तो कैसे बताते हैं ना, ये सब बातें करी थी। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ पढ़कर आए हो वैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई फाइव जेड सिक्स। In the expansion of xy plus yz plus zx और पूरे की पावर है अपने पास 7, इसमें इसका कोफिशियंट बताओ कितना आएगा। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू निकाल के बताओ, जैसे कितनी आएगी, 204, 301 कितनी आएगी, कोफिशियंट यहां पर तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, अगर एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन ना हो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। हमसे पूछा हुआ है एक्स वाई जेड की वैल्यू पावर और अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि एक्स वाई को हमने कितनी पावर दी होगी, कि एक्स वाई को कुल पावर ए मिली होगी, वाई जेड को कितनी पावर मिली होगी, बी। टोटल ए प्लस बी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, बाकी जो पावर बच गई वो किसको मिलेगी, इसको, ZX को, ठीक है? अब पहली बात तो हम ये जानते हैं कि तीनों पावर्स का जो सम है A plus B plus C, वो 7 के इक्वल आना ही चाहिए, जरूरी है ये बात तो। अच्छा, अब अगर X की पावर निकाली जाए टोटल, यहां से X की पावर कितनी आएगी, A आएगी, यहां से X की पावर आएगी C, दोनों ऐड होंगे, ऐड ही होते हैं ना इस तरीके से, तो A plus C हमें चाहिए कितने आएंगे, 3। ये डिवाइड में नहीं है, बस लाइन अलग करने के लिए बना रहा हूं। y की पावर यहां से a आएगी, यहां से y की पावर मिलेगी b, कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि हमें 5 चाहिए। z की पावर यहां से b और यहां से c, जब मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड होंगी, b प्लस c आ जाएगा, हमें चाहिए कितनी, 6। अगर मैं सबको ऐड कर दूं इन तीनों इक्वेशंस को, क्या बनेगा, a और a, b b c c, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही अपने पास। तो सॉरी, हमें इतना पता है कि a प्लस बी प्लस सी 7 है और a और c का सम 3 है, तो b मैं कह सकता हूँ 7 माइनस 3 4 आएगा, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 4। अब उसी तरीके से हमारे पास क्या है, a और b की वैल्यू का सम हमें पता है 5 है, अगर इन दोनों का 5 है तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 5 यानी 2, और यहां से फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी 3। चेक करो तीनों का सम 7 आ रहे, 3 नहीं 1 आएगी, 1 आएगी, मैंने गलत लिख दिया, 1 आएगी, तीनों का सम 7 आ रहे, तो कोफिशिएंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। तो कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7, एक वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल 4, एक जगह हमें पावर 2 रखनी होगी तो फैक्टोरियल 2 और एक जगह फैक्टोरियल 1, बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, 4 वाला, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 5, 6, 7 अपॉन 2 का फैक्टोरियल यानी 2, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, yes, sir. किसी को दिक्कत है पूछ लो, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हर्षित पता नहीं कौन सा मैसेज आया तुम्हारे पास, नो क्लास का, गुरुकुल वालों का अलग से कुछ सिस्टम चल रहा है, सॉरी उस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, अगर पूछना ही है कि क्लास है या नहीं है, चल तो रही है वैसे, अब हो सकता है तुम्हारी विपिन सर लेना चालू कर चुके हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो प्रकाश सर ही बता सकते हैं तुम्हें। हाँ हर्षित, पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वो बाद में डिस्कस करेंगे, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the coefficient of x raised to the power 5 in the expansion of
इसके एक्सपेंशन में तुम्हें x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, करो। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि सॉरी, पहली बात तो नोटिस करो कि यहां पर तीन अलग अलग वेरिएबल नहीं आ रहे, एक ही वेरिएबल में काम चल रहा है x में। तो नॉर्मली तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हो सके तो बाइनोमियल बना ले, क्योंकि बाइनोमियल में फिर भी काम करना थोड़ा आसान रहता है। तो यहां पर देखोगे कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने पॉसिबल नहीं है, बना सकते हैं, डी पॉजिटिव है, लेकिन जो रूट्स आएंगे वो अजीब से आएंगे, रूट में आएगा रूट 17 वगैरह, तो इसी में काम करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें काम करने का तरीका क्या होगा, हम यहां पर इस तरीके से देखते हैं कि 2x² मेरे पास एक नंबर है, -3x एक नंबर है, -1 नंबर है, टोटल पावर कितनी है अपने पास 5। हमें इस पावर 5 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने कि एंड में x की पावर 5 बचे हमारे पास। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मान लो मैंने x² को पावर 4 दे दी, x² को पावर 4 देना मतलब कितना हो गया x की पावर 8। अब इनको कैसे मर्जी पावर बांट दो, x की पावर 5 नहीं बना पाओगे। सोच के देखो, अगर मैं इसको पावर 3 दे दूं कितना बन गया x की पावर 6, इधर से क्या चाहिए होगा 1/x, निकाल सकते हो 1/x? नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस में तो पावर दे ही नहीं सकते। सॉरी, तो एक तरीका क्या होगा, इसको पावर 2 दे, इसको पावर 1 दे, क्योंकि x² की पावर 2 आएगी तो x की पावर 4 बनेगा, यहां से x आएगा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा x की पावर 5 बन जाएगा। कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3, बाकी बची हुई पावर अपने आप किसको देनी पड़ेगी, -1 को, मजबूरी है क्योंकि सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, टोटल पावर 5 थी, इसको 2 दी, इसको 1, इसको 2, ये आ जाएगा। लेकिन जब 2x² को पावर 2 दी है तो 2 की पावर 2 भी तो आएगी, उसका भी स्क्वायर होगा। साथ में जब हमने -3x को पावर 1 दी है तो -3 जो है इसकी भी पावर 1 आएगी, और यहां पर जो -1 है उसकी पावर कितनी आएगी 2। तो पहले से तो कोफिशिएंट ये आया, कितना आ जाएगा 120 अपॉन में आएगा कितना, माइनस का 360 आ जाएगा शायद, 360, ठीक है। ये तो हुआ पहला केस। अच्छा, x की पावर 5 बनाने का और कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो इसको तो पावर दे दो 1, x² आ चुके, हमें बनाना कितना है x की पावर 5, तो इसको पावर देनी पड़ेगी 3। सोच के देखो, x की पावर 5 बनेगा, बाकी बची हुई पावर किसको मिलेगी, -1 को, टोटल पावर -5 थी, इसको 1 दिए, सेकंड वाले को 3, थर्ड वाले को 1, ये आएगा। जब इसको पावर 1 दिए तो साथ में 2 की पावर 1 आएगा, -3 की पावर 3 आएगी, और जो -1 है उसकी पावर आएगी 1। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आएगा सॉरी 120 अपॉन 6 20 होगा, और 20 × 27 540, तो ये आ जाएगा प्लस का 540, बनेगा ऐसा कुछ। और फाइनली क्या हो सकता है कि इसको पावर 0 दो, सारी की सारी पावर इसको दे दो 5, इसको 1 दे दिया सॉरी 0, अब भी x की पावर 5 बनेगा। तो इन दोनों की पावर डिसाइड करने के बाद इसकी पावर डिसाइड करनी है कि जितना बच गया वो कांस्टेंट को दे दो, क्योंकि कांस्टेंट को कितनी भी पावर दोगे उससे x की पावर पर फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इसको बांटने की कोशिश मत करना। अब टोटल पावर थी कितनी अपने पास 5, इसको पावर दिए 0, इसको 5, इसको 0, बाकियों का तो फर्क नहीं पड़ता, जब इसको पावर 5 दिए तो -3 की पावर कितनी आएगी 5, तो यहां से अपने को मिलेगा माइनस का 243। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालने, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऊपर से आएगा माइनस का 360, फिर आएगा प्लस का 540, और फिर आएगा माइनस का 243। तो यहां से आंसर कितना बन जाएगा, प्लस का 180, उसमें से 243 गया, माइनस का 63, ये आंसर है। समझ में आया? तो इसमें केसेस बनाकर हमें काम करना पड़ता है। अगर मैं x की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछ लेता या x की पावर 8 का पूछ लेता तो उसके अकॉर्डिंग हमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। बस ध्यान ये रखना कि पावर जितनी टोटल है मैक्सिमम उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्टली उतनी करनी पड़ेगी। जितने कोफिशिएंट हैं उनको साइन के साथ ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी पावर आ गई या तो वो पूछेगा नहीं, अगर इतना बड़ा तरीका ही लगना होगा तो पूछने नहीं वाला। अगर ज्यादा बड़ी पावर पूछ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्रिक छुपी हुई है।
जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन करा था जहां पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाला था, तो हमने क्यूब बनाकर सोल्व किया था, क्योंकि अगर उसमें x की पावर 48 निकालने लगते तो बहुत मेहनत लगती, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बनते, लंबा सवाल होता, तो या तो उसमें कोई ट्रिक छुपी होगी, अगर नहीं छुपी हुई है मतलब वो पूछने नहीं वाला। 540 की जगह 120 और 6 कितना हुआ, 20 हुआ, सही तो लिखा हुआ यार, अच्छा इंटू 2 रह गया, सही है, ये सही कर लेना भाई इसको, यहां पर 1080 आएगा। कितना आ रहा है इसके बाद, 720 में से 243 के। चेक कर लेना शायद 477 आ रहा होगा शायद, कैलकुलेट कर लो, बाकी ऐसे सही आएगा। कितना आ रहा है निकालो, यही आ रहा है, वो सही कर लेना। कर लिया नोट्स हमने, करो जल्दी करो। तो ज्यादा इसमें कुछ बनता नहीं, बस वो केसेस बनाने ही पड़ते हैं, थोड़ी इस बात की मेहनत है, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कोई केस छोड़ मत देना, क्योंकि मान लो 4 केस बन रहे हैं, अब तुमने 3 केस निकाल कर तो पूरी मेहनत करके आंसर निकाल लिया, वो एक केस की वजह से पूरा फर्क पड़ जाएगा आंसर पे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना बस थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हो तो अपने आप इंप्लाइड है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछ रहे हैं। डिस्टिंक्ट और टर्म्स में मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम ये नहीं कह सकते कि 3x को तुमने लिख लिया x plus x plus x और इसको 3 टर्म्स की तरह काउंट कर लिया, ये कितनी टर्म्स की तरह काउंट होगी, 1। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो डिस्टिंक्ट इंप्लाइड है साथ में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, पूरे की पावर है 10। जल्दी से बताओ कितना आएगा, 12c2 नहीं आएगा, 66 नहीं आएगा, 132 नहीं आएगा, ये सारे गलत आंसर है, इसके अलावा सोचो क्या होगा। पहले तो ये याद करो कि मैंने नंबर ऑफ, नहीं सुन लो मेरा, सुन लो, नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने तब लिखवाया था जब x1 x2 x3 ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है, क्योंकि होता क्या, पहले तो ये समझो कि फर्क क्या है दोनों में। अगर मान लो मैं x प्लस y प्लस z की पावर 10 की बात करूं और अगर मैं 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर की पावर 10 की बात करूं, ठीक है, सपोज करो मैंने एक बार x को पावर दी 5, y को पावर दी 0 और z को पावर दी 5, कोफिशिएंट छोड़ो, कोफिशिएंट जो आना होगा आएगा, एक बार तो मैंने इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 10 की 10 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, एक टर्म तैयार होगी। अच्छा मैं ये कर सकता हूं कि x को पावर 0 दी, y को पावर 10 दी और z को पावर 0 दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं पावर्स का। ये दोनों टर्म यहां पर अलग अलग काउंट हुई थी, सेम काउंट हुई थी, इनको अलग अलग काउंट करेंगे, सेम काउंट करेंगे, अलग अलग करेंगे, कोफिशिएंट जो आना है उसकी टेंशन मत लो, सेम आएगी। कौन सा भाई है, कौन पूछ रहे है तू भाई, हो गया कोई बात नहीं, अगर मान ले तेरा सही भी आया कोई बात नहीं, अब बीच में तू रुक के ये बोल रहा है कि आंसर कितने है। तो क्या बोल रहा था यार, इसलिए बोल रहा हूं मत, हाँ तो इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अलग अलग टर्म्स काउंट हुई है ना, मान लो सेम वे में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहले नंबर को पावर 5 दे, जैसे मान लो 1 को पावर 5 दे दी,
वाई की पावर जीरो कर दें, मतलब सेकंड जो नंबर है उसको पावर जीरो दें, और जो थर्ड नंबर है उसको पावर फाइव दें। दोबारा फिर बोल रहा हूं, कोफिशियंट आएगा भाड़ में गया जितना भी आएगा, इससे हमें मिला कितना, बेसिकली एक्स की पावर टेन मिला ना। अच्छा दोबारा, बाकी दोनों को पावर जीरो दे दें, बीच वाले को पावर दे दें टेन। यहां से भी सोच के देखो कौन सी टर्म मिली, एक्स की पावर टेन मिली। मान लो यहां पर सेवन था कोफिशियंट, यहां पर एट था, दोनों ऐड होकर कितना बना देंगे, 17 वगैरह बना देंगे या 15, जो भी बनाने है बना देंगे। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, सेम है, सेम है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर जो टर्म्स आई थी वो अलग अलग थी, लेकिन यहां पर सेम काउंट होंगी क्योंकि ऐड होकर वो एक टर्म बनाने वाली है। तो ऐसी एक्स की पावर टेन बनाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक्स को तो पावर दे दूं एट, जो एक्स स्क्वायर है इसको पावर दे दूं वन, और जो बाकी बची हुई पावर है वो इसको दे दूं। सोच के देखो एक्स की पावर टेन बनेगा। अब ये भी एक बार ही काउंट होंगी तीनों या एक अलग अलग काउंट होंगी, एक बार काउंट होंगी। लेकिन अगर मैं सेम काम यहां पर करता कि पहले नंबर को पावर वन देता, सेकेंड नंबर को पावर एट देता और जेड को मैं पावर देता टू, सॉरी वन, तो ये वाली टर्म इन दोनों से अलग काउंट होती। तो यहां पर इस वजह से जब टर्म्स काउंट की जाती हैं तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर्मूला लगता है, लेकिन वही सेम फॉर्मूला हम यहां पर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लगाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर सेम डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यहां पर एक्स एक्स के सेम वेरिएबल चल रहे, तो हो सकता है कि इसकी कुछ पावर रखें वो इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लगाना। ये बात समझ में आई, करेंगे कैसे वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहां पर सोचने का तरीका ये होता है कि तुम ये सोचो कि x की मिनिमम पावर कब मिलेगी। अब आंसर निकालने पर आते हैं, x की मिनिमम पावर तब मिलेगी जब 10 की 10 पावर तुम 1 को दे दो। अगर तुमने सारी पावर 1 को दे दी तो x मिला, नहीं मिला तो x की मिनिमम पावर मिलेगी। तो हमें कौन कौन सी टर्म मिलेगी, x की पावर 0 की टर्म आ जाएगी। अच्छा, x की पावर 1 बना सकता हूं मैं किसी तरीके से, कोफिशिएंट नहीं चाहिए मुझे, x की पावर 1 बनाना पॉसिबल है या नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बोलो, दो सेकंड रुक के जवाब दे दो। अगर मैं इसको पावर 1 दे दूं और इसको पावर बाकी बची हुई दे दूं, x की पावर 1 बना सकते हैं तो ये वाली टर्म मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। x की पावर 2 बना सकते हैं, बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको तो मैं पावर दूं 1, इसको 0, बाकी बची हुई इसको, तरीके और भी आएंगे लेकिन वो एक बार साइड में रखो। x क्यूब बना सकते हैं, अगर मैं इसको पावर 1 दूं, इसको पावर 1 और बाकी बची हुई सारी पावर इसको, और भी तरीके हो सकते हैं साइड में। मैक्सिमम पावर कितनी बना सकते हैं, जब मैं सारी की सारी पावर एक्स स्क्वायर को दे दूं तो कितनी पावर आएगी, 20 आएगी। तो ये टर्म्स होंगी जो डिस्टिंक्ट टर्म्स में काउंट होंगी, क्योंकि अगर मान लो एक्स क्यूब की बात करें, एक्स क्यूब जितने भी तरीके से बन सकता होगा सबको ऐड करके एक ही टर्म बना देंगे अपने, तो काउंट कितनी बार होगा, एक बार ही होगा। तो 0 से लेकर 20 तक जा रहे हैं तो कितनी टर्म्स आएंगे, 20 बनाएंगे, क्योंकि 1 से 20 तक 20 नंबर्स होते हैं, 0 से 20 कितने आएंगे, 21। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स जो होंगी वो यहां पर 20 बनाएंगे, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना। समझ में आ गया? Yes, तो याद रखना ये वाली चीज, और नोट करने के लिए ये भी नोट कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा कि क्यों फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक मिनट, जब भी जो पावर है, जब वो तो प्लस करने के बाद 10 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 20 तक गया। क्या होना चाहिए? सर यहाँ पे 20 तक गया, इसकी 21 टर्म्स आ गई। तो सर जैसे ये, अगर उसने बोला कि भाई सारी इंक्लूड करो, तब भी सारी इंक्लूड करो का क्या मतलब है? सर जैसे कि x और 10 ये आ रही है, ऐसे करके सर इसमें तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी इस तरह। हाँ, तो एक बार ही काउंट होंगी ना, वही तो समझाए, बहुत सारी से हमें मतलब क्या है, एक ही तो टर्म काउंट करेंगे उसको, उन सबको ऐड करके एक टर्म बना सकते हैं ना अपने। दिक्कत तो यहां पर आती है कि अगर 7x² है
और 8x³ है, तो इनके कोफिशियंट हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिसिमिलर टर्म्स है, क्योंकि x की पावर अलग अलग है, तो इनको दो टर्म्स काउंट करनी पड़ेंगी। लेकिन इनको तो एक ही टर्म काउंट करेंगे ना, वो सारी ऐड होकर एक टर्म बना देंगे, तो एक बार ही काउंट करेंगे। सर अगर कोफिशियंट उल्टे साइन हुए कि नहीं दो के, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगी, वो भी कर लेते हैं, मत चिंता करो। कोफिशियंट अगर उल्टे साइन के, हाँ वो तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो टर्म बन भी रही है नहीं बन रही, वो तो हमें बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने चेक करा है कि एक्स क्यूब बना भी सकते हैं नहीं बना सकते, अगर मान लो कहीं पर एक्स क्यूब बना ही नहीं सकते तो उसको काउंट नहीं करेंगे, वो तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा अपने को। तो नॉर्मली वो पूछता नहीं ना कि अगर कटने वाला होगा तो, अब यहां पर जानबूझकर इसी वजह से प्लस 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 दिए ताकि वो ना कटे। अब राइट वाले पार्ट में पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, मैं इतना बोल जाता हूं, डाउट है तो पूछ ले, बस इतना ही बताया कि सारी टर्म्स सिमिलर हैं तो एक बार ही काउंट होंगी, यहां पर सारी टर्म्स अलग अलग काउंट होंगी, इसलिए यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और इसलिए वहां पर वो फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा। हाँ भाई अब बोल क्या कह रहे हैं। समझाने के लिए बताया कि फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, प्रोसेस तो यही है दो लाइन का। हाँ मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या क्या टर्म बना सकते हैं और कौन कौन सी नहीं बना सकते, उसमें भी नॉर्मली जो सवाल है ना वो ऐसे ही पूछते हैं, लगातार का पूछते हैं, उसमें भी ज्यादा जो है वो मतलब ये नहीं बोलेगा कि जैसे पंगा तो यहाँ पर पड़ता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस टाइप के सवालों में पंगा पड़ना चालू हो जाता है कि मान लो 1 + x² + x^5 है और पूरे की पावर 10 है, तो मैं यहां पर x की पावर 0 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, सारी की सारी पावर 1 को दे दी, x बना पाऊंगा नहीं, x की पावर 2 जरूर बना सकता हूं, अगर इसको पावर 1 दूं बाकी बची हुई पावर इसको दे दूं, x क्यूब बना सकता हूं नहीं, x की पावर 4 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। पहले सुना कर, एक तो लड़की है सुना कर, टीचर बोल रहे सामने तू बीच में, तुम क्या बोलूं मैं तुम्हें, 11th में हो तुम लोग, ये बना सकते हैं ये बना सकते हैं, फिर नहीं वो भी जरूरी नहीं ना। जैसे मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, जब सारी की सारी पावर 5 को दे दूंगा तो एंड में जाते जाते मुझे एक्स की पावर 50 बन जाएगी, मिल जाएगी, एक्स की पावर 48 मिलेगा मुझे, सोच के देखो, कर ले कितनी कोशिश कर ले नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मान ले तूने पावर 9 दी तो 45 आ गया, अब इसको मैक्सिमम पावर 1 दे सकते हैं तो 41 और 2 कितना हो जाएगा, 45 और 2 47 हो जाएगा, तो पहली बात तो 47 2 ना तो 2 के मल्टीपल में आता है ना 5 के मल्टीपल में आता है, बना सकते हैं लेकिन 48 नहीं बना सकते, 49 नहीं बना सकते, तो बीच में कुछ कुछ मिसिंग होंगी, कुछ कुछ आएंगी, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, पूछ लेगा तो हम दिमाग लगा के कर लेंगे, आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, लेकिन आज तक नहीं पूछा और पूरी पूरी गारंटी है कि नहीं पूछने वाला, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आ गया तो फिर हमें हर वैल्यू सोच के देखनी पड़ेगी कि 6 बना सकते हैं नहीं, 7 बना सकते हैं नहीं, एक टाइम पर आगे बीच में भी पंगे पड़ने चालू होंगे, क्योंकि अभी तक तो फ्री जैसे मन कर रहा है वैसे पावर बांट रहे हैं फ्रीली, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि टोटल पावर इतनी बचेगी नहीं बांटने को, जैसे यहां पर नहीं हुआ 48 के साथ, ठीक है, तो वो गड़बड़ानी चालू हो जाती है, तो नॉर्मली नहीं पूछता, पूछ लेगा तो कर लेंगे, वो फिर सबके लिए टफ आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस यही काम करेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम लगाकर बता सके, ठीक है। हाँ अब बता क्या करी थी, तो वेट कर लिया कर थोड़ा, क्या अब तक क्लियर हो ही जाए। अबे नूर कह रहे हैं सर एक और मेथड भी हो सकता है, हाँ भाई बता क्या हो सकता है, नोट कर लो जल्दी से और स्क्रीनशॉट लो, हाँ भाई अभिनूर क्या हो सकता है मेथड बता, और इसके लिए अभी भी फॉर्मूला वही रहेगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, जिसमें r क्या था, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स जितनी अंदर है एक्सपेंड करने से पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स है, n का मतलब जो टोटल पावर थी। चलो वेनुर तो इतनी देर लिख, मैं आगे सवाल करवाता हूँ, कर लिया हो सब कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स अब एक बार ये क्वेश्चन गलत भी आया हुआ है, वो भी मैं बताता हूं क्या था।
फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर. दिख नहीं रहा होगा ना ये तो. इसमें तुम्हें बताने की कितनी अलग अलग टर्म्स मिलेंगी. दोबारा यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, टर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं. तो कंबाइन होकर हो सकता है कि दो टर्म एक ही टर्म बना दे. ठीक है, सोचो वही तरीके, सोचो कि कौन कौन सी टर्म्स मिल सकती है, पावर मिल सकती है और कितनी टर्म्स आएंगी. बस ये देखो कि मैक्सिमम पावर कितनी मिल सकती है, मिनिमम कौन कितनी मिल सकती है, बीच की मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, बस इतना सोचना. तो कल तो तुम्हारी एक ही क्लास हुई थी, तुम रो रहे थे कि किसने नहीं, कौन रवि सर की नहीं हुई या नवनी सर की नहीं हुई? नहीं हुई उनकी क्लास. तीन टर्म होंगी, तीन कैसे हो सकती है? कुछ तो एन की भी शर्म कर. एन वैसे भी सारा काम करे जा रहा है इतनी देर से. इतना ही सोच ले, अगर मैं एन को ही वन रख दूं तब भी पांच टर्म आ रही है. ठीक है राघव, सही है. तो इसका आंसर आएगा फोर एन प्लस वन. कैसे आएगा वो देखते हैं. एक्स की मिनिमम पावर कब मिलेगी? जब तुम सारी की सारी पावर वन बाय एक्स स्क्वायर को दे दोगे. तो 1 अपॉन x की पावर कितना आ जाएगा? 2n. ठीक है, 1 बाय x की पावर 2n. अच्छा, मैक्सिमम पावर कितनी मिल सकती है अपने को जब सारी की सारी पावर x स्क्वायर को दोगे, x की पावर 2n. अब बीच में सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पावर मिसिंग हो. जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं x बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, इसको पावर 1 दे दो, बाकी जितनी भी पावर है बची 1 को दे दो. क्योंकि कांस्टेंट टर्म को जितनी भी पावर दोगे उससे x की पावर पर फर्क नहीं पड़ता, है ना. एक्स स्क्वायर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो. कैसे? इसको पावर वन दो, बाकी बची पावर वन को दे दो. एक्स क्यूब बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो. तो सारी की सारी टर्म्स बना सकते हैं. तो एक्स की मिनिमम पावर कितनी मिल रही है अपने को? माइनस टू एन. अच्छा, बीच में आते आते एक्स की पावर जीरो आ चुका होगा और मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? टू एन. सॉरी, यहां पर मान लो एक्स है और यहां पर मान लो एक्स की पावर माइनस वन है. माइनस वन से लेकर माइनस टू एन तक कितनी टर्म्स आएंगे? टू एन टर्म्स. एक्स की पावर वन से लेकर एक्स की पावर टू एन कितनी टर्म्स आएंगी? टू एन. टू एन ये हुई, टू एन ये हुई और एक बीच वाली हुई, तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? फोर एन प्लस. तो यहां पर हम बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फोर एन प्लस वन. ये आंसर आ गया समझ? तो सिंपल सवाल है, बस उस पचड़े में नहीं पड़ना, फॉर्मूले वाले में. ध्रुव कह रहे हैं एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके कर सकते हैं. हाँ, उससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लो. वो तो एक उसकी शक्ल बदल नहीं हो गया ना, बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं, एक सवाल कभी गलत पूछा गया था उसकी भी बात कर लेते हैं. आईआईटी नहीं, नहीं मेंस में बोनस हो जाता ना सर, फिर वो कर. नहीं, बोनस नहीं होता. वही बता रहा हूं क्या दिक्कत थी और क्या करना होगा अपने को. हो गया नोट? तुम्हारी बुकलेट में भी क्वेश्चन है, जेई मेन 2016 में पूछा गया था. उस टाइम एक ही शिफ्ट में होता था तो सबके पेपर में यही सवाल था. इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर
पूरे की पावर है n, जहां पर हमें बोला गया x नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अपॉन में आ रहे इस 28. इसने बोला यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 28 है और पूछा था अपने से देन फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट. Sum of coefficient of all the terms in the expansion. तो try नहीं करना, मैं इसमें बताता हूं गड़बड़ क्या थी. तो जो इसका second half है उसको तो एक बार ignore करो, जो निकालने कि sum of coefficient कैसे निकालते हैं वो भी concept पढ़ने. Main मुद्दा ये था कि पहले अपने को n की value निकालनी थी. Sorry. सेकेंड पार्ट करने के लिए n की वैल्यू जरूरी होती है, वो निकालनी पड़ी थी अपने को. तो इसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स 28 है. एक बार बाकी सब कुछ छोड़ो, अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें, हमने अभी क्या सीखा कि x की मिनिमम मैक्सिमम पावर निकाल लो, उससे काम हो जाएगा. x की मिनिमम पावर कब मिलेगी, जब सारी पावर इसको दोगे. कोफिशियंट भाड़ में गया जितना आएगा आएगा. तो x की मिनिमम पावर कितनी आई अपने पास, -2n. x की पावर -2n+1 भी आ जाएगी, चलता जाएगा. x की हाईएस्ट पावर कब मिलेगी, जब सारी की सारी पावर 1 को दे दोगे, कितनी आ जाएगी. तो तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 0 से लेकर -2n तक कितने नंबर्स होंगे, 2n+1 नंबर होंगे. ये समझते हो ना ये बात. और नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी कितनी हुई है, 28. तो n की वैल्यू आ गई 13.5. लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि n को क्या होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर होना पड़ेगा. आ रहा है नेचुरल नंबर, नहीं आ रहा. तो अब दिक्कत यही आई कि जब बच्चे पेपर देने बैठे, अब कंसेप्ट तो पता ही था सबको, सही है. अब मजबूरी होगी कि हमने करा तो गलत आंसर आ रहे, सवाल ही सही नहीं बन रहा इस तरीके से. तो मजबूरी होगी कि अब वो वाला फॉर्मूला लगाने की, कौन सा, n+r-1 cr-1. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाए, पावर n है, कितनी टर्म्स है अंदर, 3. n+3-1 c3-1 कितना दिया हुआ है, 28. ये आएगा n+2 c2. और बीच में कोई मत बोलना, जितने केस बनेंगे मैं बता दूंगा जो तुम्हारे शायद डाउट आएंगे. ये बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8×7 होता ना, इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए. तो n की वैल्यू आ गई 6. यहां से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेचुरल नंबर. तो सेकेंड हाफ आता है, कोई तरीका होता है, करते हैं कुछ ना कुछ. तो n को 6 मानकर प्रॉपर आंसर आ जाता है. जो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस में कहीं पर भी नन ऑफ दीज नहीं था. तो सही तरीका हमें पता होना चाहिए. मेंस में जो सवाल बना था वो थोड़ा गलत बन गया था, तो सही तरीके से हमें गड़बड़ आ गई ना. अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और बच्चों ने दिमाग लगाया भी था जिन्होंने उस साल पेपर दिया था, कि वो ये काम ना करवाने की बजाय वो काम करवाना चाह रहे, गलत काम करवाना चाह रहे, लेकिन फॉर्मूला ये लगवाना चाह रहे, और उससे उनका आंसर मैच करके टिक करके आ गए. तो अगर तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाए तो मैं पहले तो ये वाला तरीका ही अप्लाई करना होगा. अगर इससे आंसर बन रहे बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज टिक करके आओगे. ठीक है, आंसर की में जो भी आए बाद में क्लेम हो जाएगा, बाद में आंसर चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है. लेकिन अगर मान लो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों में से कोई भी ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरीके से, तो मजबूरी हो जाएगी वो वाला लगाना. वो हालांकि हमें पता है कि गलत तरीके, उससे आंसर गलत आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके आने. चार नंबर फ्री के हैं क्योंकि सवाल बहुत आसान है. उसके बाद भी कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1 पुट करनी है बस, वो भी सिखाऊंगा 2 मिनट में. तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है, आंसर आया था सिंपल सा. तो वो सिर्फ उस वजह से हम अपने चार नंबर नहीं छोड़ कर आएंगे. बात पल्ले पड़ेगी, पहले ये वाली चीज अप्लाई करोगे. मान लो सपोज करो इससे आंसर तुम्हारा 7 आ रहा है और इससे आंसर आ रहे 9, दोनों ऑप्शन है, तो 7 मार्क करके आओगे. ठीक है ही नहीं उसका आंसर, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में नहीं है, तो मजबूरी होगी. कोई दिक्कत किसी को, तो ये लिख लो जो इसमें लिखना हो. मेंस में है तुम्हारा क्वेश्चन, मैंने मार्क भी शायद करवाया था, नहीं करवाया था, बुकलेट में दिया हुआ है. मल्टीपल चॉइस हो तब भी सिर्फ इसी का आंसर सही माना जाएगा.
वो गलत ही है, वो मजबूरी में करके आना पड़ा था उनको। एक बार ही ऐसा हुआ है, उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि ना उससे पहले ना उसके बाद, वो मजबूरी वाली थी। और मेंस में वैसे भी मल्टीपल करेक्ट नहीं आते, और एडवांस में इतनी बेसिक मिस्टेक वो नहीं करेंगे जो पेपर बनाने वाले हैं। अगर कभी हो भी जाए, मल्टीपल में आ भी जाए, तब भी सिर्फ इसी का आंसर होगा, और उसकी चिंता छोड़ो। आंसर की में अगर गलत आंसर दिया भी होगा तो क्लेम करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, आंसर बाद में सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोनस नहीं हुआ था, जो शायद कोई बोल रहा था, तो बोनस नहीं हुआ था। जिसने उसके हिसाब से आंसर कर दिया वो सही है, जो छोड़कर आ गया वो, तभी बता रहा हूं कि हो सकता है गलत तरीके से भी करना पड़े अपने को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, सोच के आना। Find the number of distinct terms in the expansion of 1 plus x ke plus x ki power 4 plus x ki power 6 aur pure ki power hai n. Isme batane kitni alag alag terms aayengi. Chalo next dekho. इसके बाद कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी कर रहे हैं, कि एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन प्लस माइनस एक्स माइनस वाई की, क्या दिक्कत है इसके? अगर हमें इस चीज का एक्सपेंशन करना हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस याद रखना, काम आती रहती है, ठीक है। बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे आईएफ के, अगर बुकलेट उठाकर देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन है इस टाइप के कि 2√2 + 3 को लिख रखा है उसने आई प्लस एफ, देखें ऐसे से सवाल? चलो ना भी देखे, बाद में करेंगे अपने। तो कुछ नहीं करना अपने को, दो एक्सपेंशन है, एक्स प्लस वाई की पावर एन, एक्स माइनस वाई की पावर एन। एक्सपेंड करना जानते हैं अपने, अगर हम x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? एन सी जीरो एक्स की पावर n, प्लस में कितना आएगा? एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, प्लस में आएगा एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई का स्क्वायर, सिर्फ चार टर्म लिखेंगे, एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई का क्यूब, चलता जाएगा जहां तक जाना है, हमें पता है एनसीएन तक जाकर खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं एक्स माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखूं क्या होगा? टर्म्स तो सेम ही आएंगी ना, कोई फर्क नहीं होगा, बस अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस। चलता रहेगा इस तरीके से। अब बस कुछ नहीं करना, एक बार इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने और एक बार माइनस करने। तो मान लो मैं x प्लस वाई की पावर n ले लूं और इसमें ऐड करवाना चाहूं x माइनस वाई की पावर n, तो इस बात से फर्क क्या पड़ेगा? सारी प्लस माइनस वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, चेक करो, ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी, इधर से ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी। अच्छा, ये दोनों जुड़कर कितनी बार आ जाएगा? दो बार, सेम टर्म है ना, सेम टर्म में सेम टर्म ऐड करोगे तो टू टाइम्स आ जाएगी। ऐसी ये वाली टर्म भी कितनी बार आ जाएगी? टू टाइम्स। तो बस उसी चीज को लिख रहे हैं अपने, तो ये आ जाएगा टू इंटू, बाहर टू तो कॉमन आ गया, कौन सी टर्म बचती है? इवन वाली। इवन वाली से मतलब है जिसका आर इवन होगा, जैसे एन सी जीरो एक्स की पावर एन बचेगा, जीरो वैसे तो इवन नहीं होता, ओड भी नहीं होता, लेकिन यहां पर इवन काउंट कर लेते हैं अपने, तो एन सी जीरो आया, अगला इवन नंबर कौन सा होगा? टू, तो NC2 आएगा, x की पावर हम बता ही सकते हैं, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? NC4, x की पावर n माइनस 4, y की पावर 4, चलता जाएगा। तो बस तुम्हें याद क्या करना है कि अगर ऐड किया जाएगा तो 2 इंटू इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी, ओड वाली गायब हो जाएंगी। अगर माइनस किया जाएगा तब क्या होगा?
अब इवन वाली तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एन सी जीरो एक्स की पावर एन में से ये माइनस करोगे तो वो तो कटेगा ना। अच्छा इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ जुड़कर क्या हो जाएगा टू टाइम्स, तो ये आ जाएगा टू इंटू सिर्फ ओड वाली बचेंगी एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, प्लस में आएगा एन सी थ्री आ रहे समझ। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं कि याद करने वाला, मतलब डायरेक्ट लिख पाओ तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो एक दो स्टेप लिख के तो कर ही लेंगे अपने, ठीक है बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब याद करवाऊंगा कि ऐसा कुछ किया था। मतलब और टर्म्स एंड इवन टर्म्स का सम पता चल जाएगा, बिल्कुल भाई ध्रुव यही करना चाह रहे हैं, अगला जो टॉपिक है उसमें यही करना चाहेंगे, इसलिए पहले ये पढ़ रहे हैं। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका, करो जल्दी करो। अब मैं पहले बता दूं, अब जो कंसेप्ट चालू होगा अपना उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ढंग से पढ़ लेना, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब कुछ कुछ बड़े तरीके देखेंगे, उनको छोटे करने का भी देखेंगे, दोनों तरीके जितने भी मेथड बताऊं किसी क्वेश्चन को करने के सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा टाइम पास के लिए, वो चलो बाद में बताऊंगा, अभी बोल जाओगे तुम वो गजनी वाला हिसाब है तुम्हारा, बता दो 15 मिनट में फिर गायब, तो बार बार बताना ही पड़ेगा, तो फिर इससे अच्छा तभी बात कर लें। हो गया नोट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो हेडिंग डालोगे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है तो यहां पर कुछ बेसिक से फॉर्मूले, एक चीज और सीख लो, अब कुछ टाइम पर हो सकता है हम कुछ टाइम के लिए एनसीआर को हम डायरेक्ट सीआर लिख सकते हैं, ठीक है नॉर्मली नोटेशन यूज कर ली जाती है, बार बार एन लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, एनसीआर को कभी कभी क्या लिख देते हैं सीआर। सीआर का वैसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर एन होना जरूरी है, पर वो हमें अपने मन में पता है कि हाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है तो वो इंप्लाइड है, वो समझ जाना। सॉरी तो इसमें फॉर्मूला ये बनता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, सी नोट होगा, सी नोट का मतलब एक तरह से क्या लिखा हुआ है एन सी जीरो, प्लस में कितना आएगा सी वन, प्लस में आएगा सी टू, प्लस में आएगा सी थ्री, अप टू कितना चलेगा सी एन, ये इतने ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं होता। जब इन सबका सम करते हैं तो वो कितना आता है, टू की पावर एन आता है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल बता देता हूं, नोट नहीं करना बाकी चॉइस तुम्हारी है। अगर मान लो मैं बात करूं 3C0 की, कितनी वैल्यू होती है 1, अगर मैं 3C1 की बात करूं 3, 3C2 3 और 3C3 कितना होगा, 3 से बनने वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट यही है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आएगा 8 आ रहे। तो इन सबका सम करोगे कितना आएगा 8 आएगा। यहां पर चेक करो n का काम कौन कर रहे, तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3। समझ में फॉर्मूला करना क्या चाह रहे, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उन सबका सम करना, तो जितना एन चल रहा है उसको 2 की पावर में रखो सम आ जाएगा, और तुम चेक करके देख सकते हो 4, 5, 6 सबके लिए काम होगा, करना चाहो तो घर पे बैठ के कर सकते हो, ये आ जाएगा। 2-3 मिनट दे रहा हूं प्रूव करने की कोशिश करो इसे। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, सोचो एक बार। तो देखो प्रूव करने का तरीका क्या होता है,
इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी लगाना चाहो लगा भी सकते हो, नहीं लगेगी वैसे। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, हम अपनी मर्जी से एक्सपेंशन लिख लेते हैं। वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन करना आता है अपने को, क्या लिखवाया था, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स के प्लस सी थ्री एक्स क्यू, चलता रहता है कहां तक चलेगा, सी एन एक्स की पावर एन। बस वहां पर हमने एन सी जीरो एन सी वन लिखे थे, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगा रहे अपने, बस वो बार बार ना लिखना पड़े, एन गायब कर दिया, कहीं सोचो कोई नई चीज आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें सी नोट चाहिए, सी वन चाहिए, सी टू चाहिए, हमें एक्स नहीं चाहिए। तो हमारा मेन पर्पस यहां पर ये होगा कि एक्स को किसी तरीके से, मोटिव ये है कि एक्स को किसी तरीके से गायब कर सके लेकिन डायरेक्ट तो गायब कर नहीं पाएंगे। तो एक्स को गायब करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब लेकिन एक्स की वैल्यू क्या पुट की जाए वो भी एक मेन मुद्दा है। मान लो तुमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो इन सभी टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लो तुम्हारा मन करा तुमने एक्स की वैल्यू टू पुट कर दी, पुट कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमें पुट ऐसा करना है कि एल एच एस ये बने। अब तुमने एक्स को टू पुट किया तो ये कितना बनेगा, टू सी वन फोर सी टू एट सी थ्री, फायदा हुआ नहीं हुआ। तो क्या पुट करने से फायदा होगा, वन। तो अगर मैं एक्स को वन पुट कर दूं यहां से क्या बनेगा, वन प्लस वन टू की पावर एन इक्वल टू, अब वन की कुछ भी पावर आए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में हमें वही सम बन जाएगा, वही सीरीज मिल जाएगी जिसका सम हम निकालना चाह रहे थे, और वन प्लस वन टू की पावर एन सम आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना अपने को, कोई दिक्कत किसी को नहीं, प्रॉपर्टी से नहीं हो पाएगा। इसको पीएनसी से भी कर सकते हैं पर मैं बताऊंगा नहीं अभी, फिर तुम्हारे हाथ से खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, सोच कर आना। इसको पीएनसी से भी कर सकते हैं अपने, पर पीएनसी तुम्हें आती नहीं तो सोच के क्या हो गया, चलो छोड़ो कभी पीएनसी में बात कर लेंगे। थोड़ा अच्छा तरीका है वो भी सोचने का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या, मान लो तुम बात करो सी नोट प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स, क्या चल रहा है यहां पर सोच के देखो। जितनी भी इवन कोफिशियंट्स आ रहे हैं जिनमें आर इवन है सिर्फ उनका सम कर रहे हैं अपने। अगर इन सब का सम करो किसके इक्वल टू होगा, सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस सी सेवन। यहां पर सिर्फ किनका सम कर रहे हैं, जिनके लिए आर ओड है। तो इवन वालों का जो सम होता है वो ओड वालों के सम के बराबर होता है, और दोनों का सम कितना होता है, टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि अगर मान लो सी नोट है माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री, अगर तुम इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलाओगे तो इन सब का सम कितना आएगा, जीरो। दो तरीके से याद रख सकते हो, अल्टरनेट साइन के साथ सम करोगे तो जीरो आएगा, इवन वालों का और ओड वालों का सम बराबर होगा कितना, टू की पावर एन माइनस वन। ट्राई करो प्रूव करने की, क्या प्रूव करेंगे ना अभी, एक काम कर मार्कर पकड़ पेन पकड़ पढ़ाना चालू कर दे, मैं फीस देता हूं तू सैलरी लियो, मैं बैठ के नोटबुक लेकर आया करूंगा। करो प्रूव करने की कोशिश करो, कुछ नहीं। यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन तो जानती है ना अपने, उसमें कुछ नहीं करना, एक बार एक्स को 1 पुट करने और एक बार एक्स को माइनस वन। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन कितना होगा, सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स के प्लस सी थ्री एक्स क्यूब, आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि पहले एक्स को 1 पुट कर दो, वन पुट करके क्या आने वाला है वो तो हम निकाल ही चुके हैं। तो अगर एक्स को वन पुट किया जाए तो सोच के देखो, यहां पर तो सिंपल ही बन जाएगा, सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सबका सम किसके बराबर आएगा, टू की पावर एन। अल्टरनेट साइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को माइनस वन पुट करते हैं, क्योंकि अगर एक्स को माइनस वन पुट करोगे तो पावर का फर्क पड़ना चालू हो जाएगा कि पावर इवन है या ओड है। माइनस वन पुट करो कितना आएगा, सी नोट माइनस सी वन प्लस सी टू। ये समझ में आ रहा है ना क्यों आ रहे हैं अल्टरनेट, क्योंकि माइनस वन की पावर वन करोगे तो माइनस आएगा, पावर टू करोगे तो प्लस वन आएगा, क्यूब करोगे तो माइनस वन आएगा, पावर फोर करोगे तो प्लस वन आएगा,
इन सबका सम कितना आना चाहिए सोच के देखो. अगर x को माइनस वन पुट कर रहे हैं तो वन माइनस वन जीरो होगा, जीरो की पावर n कितना आ जाएगा. जो सेकंड पार्ट है इसका वो तो प्रूव हो ही गया ना कि अल्टरनेट सम वालों का सम कितना आएगा, जीरो आएगा. अब क्या करेंगे, इवन वाले जो हैं उनको एक तरफ रख लेंगे, जो ओड वाले आ रहे हैं उनको सबको दूसरी तरफ. तो सी नोट प्लस सी टू प्लस सी फोर, इवन वाले इस तरफ आ गए और जो ओड वाले हैं सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव, इनको एक तरफ. ये हमारे पास फर्स्ट हाफ प्रूव हो गया इसका. पल्ले पड़ा क्या किया. अब ये वाला हिस्सा कहां से लेकर आए, सॉरी हाँ वो क्या होगा, अब दो बराबर नंबर आ गए ना, जितना सम इनके उतने ही सम इनके, इन दोनों को जोड़कर कितना है, टू की पावर है, तो ये कितना होगा, टू की पावर इनका हाफ होगा. और टू की पावर एन को जब टू से डिवाइड करते हैं तो पावर सेपरेट होकर कितनी बन जाएगी, एन माइनस वन. तो वही लिखा हुआ है बस. पल्ले पड़ा क्या किया, जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सिंपल भी है, याद करने भी आसान है. टाइम होगा कितना, अभी 5-10 मिनट पड़े हैं अभी. कौन बोला 4 मिनट, देखते हैं कितने. लास्ट स्टेप में मैंने ये बोले कि जितना सम इसका है उतना ही सम इसके, अगर इसकी वैल्यू अल्फा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, अल्फा. अल्फा और अल्फा मिलकर कितना बना रहे हैं, टू की पावर एन. एक तरह से क्या बोला हुआ है, अल्फा प्लस अल्फा टू की पावर एन है. तो टू अल्फा कितना आ जाएगा, टू की पावर एन. अल्फा कितना होगा, टू की पावर एन अपॉन टू, यानी टू की पावर एन माइनस वन. तो अल्फा किसकी वैल्यू आ रही है, दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू आ रही है, मतलब या तो लेफ्ट वाले की मान लो या राइट वाले की मान लो, बराबर है तो वो एक ही बात है. हो गया ना नोट वगैरह, एक नोट लिख लो या कंसेप्ट लिख लो, कुछ भी कह लो. मान लो तुम्हारे पास कभी भी कोई सवाल आ जाए, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन लिख के दिया था जेई मेंस वाला, जिसमें क्या लिखा था एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा सा था शायद यही था कि इसमें सॉरी इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा. ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये जरूरी है कि बाइनोमियल हो मल्टीनोमियल हो फर्क नहीं पड़ता, चार वेरिएबल हैं, 10 वेरिएबल हैं, एक है, 15 है, जितने मर्जी वेरिएबल हो, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं सबकी पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए. इफ ऑल द टर्म्स हैव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स वाई जेड, वहां तक रुक दिया, जितने वेरिएबल हैं वो समझ गए. अब इस टाइप के एक्सपेंशन में अगर वो तुमसे कभी भी ये पूछ ले कि सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, इसका मतलब समझा देता हूं एक बार कि जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट बोलो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक काम करो मैं यहां पर एक्स ही लिख रहा हूं, नहीं तो फॉर्मूला अजीब सा बन जाएगा और जितना मुश्किल है उससे ज्यादा देखने में लगेगा. सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना तो कुछ नहीं करना, पुट एक्स इक्वल टू वन, बस. जैसे मेरे कहने का मतलब यह है, और ये कितने भी वेरिएबल के लिए काम चलेगा, मैं लिख सिर्फ एक्स के लिए रहा हूं, वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी आ जाए काम चलेगा. जैसे सपोज करो ये
x प्लस टू का स्केयर है, इसका एक्सपेंशन करते हैं, हमें पता है कितना आते हैं, ये आते हैं। अब मान लो इसमें तुम्हें सम ऑफ कोफिशिएंट बोले, सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब x की टर्म्स को इग्नोर करने, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितने 1 है, x का कोफिशिएंट कितने 4, कांस्टेंट टर्म भी काउंट होती है इसमें 4, तो सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना रहे 9। तो एक तरीका तो क्या है कि पहले एक्सपेंड करो, सारे कोफिशिएंट निकालो, सबको ऐड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे आसान तरीका क्या हुआ कि डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना गया 9। लॉजिक शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो वही काम हो गया, जिसको हम गायब करना चाह रहे थे वो गायब भी हो गया और उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि x की स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, x को 1 पुट करोगे तो 4 आएगा और ये तो 4 है ही। आ रही है बात समझ? तो 1 ही पुट करना है अपने को, माइनस 1 2 3 वो पुट नहीं करना, उससे फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। अच्छा, पीछे हमने किसका सम निकाले, पीछे किसका सम निकाले हमने? अच्छा यार, उधर से करना है ना, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वहां पर सिर्फ C0 C1 C2 थे, यहां पर C1 C2 C3 के साथ साथ जो साथ में कांस्टेंट लगे होते हैं उसका भी फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, एक्सप्लेन करा हुआ है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला वो रहा जो अभी पढ़ा है इससे पहले, ये है सारे के सारे कोफिशिएंट्स का सम। और क्या पूछते हैं इसमें? अगर तुमसे बोल दे कि x की जो इवन पावर आ रही है सिर्फ उनका कोफिशिएंट चाहिए, मैंने वैसे तो साफ कर दिया, दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा फिर बोल रहा हूं, इवन वैसे तो जीरो इवन नहीं होता, लेकिन यहां पर कंसीडर करते हैं इस चैप्टर में और पीएनसी में भी, या कह लो पूरे आईआईटी के तैयारी में, ठीक है, आईआईटी उसको इवन मान के चलते। तो यहां पर मान लो तुम्हें बोल दिया कि x की जितनी भी इवन पावर आ रही है सिर्फ उनके कोफिशिएंट का सम चाहिए, तो x स्क्वायर की यहां पर पावर क्या है, इवन है, इसका कोफिशिएंट कितना मिल रहा है 1, यहां पर x की पावर कितनी है, कोफिशिएंट कितना मिल रहा है 4, तो मुझे सिर्फ इनका सम चाहिए, इसका सम मेरे काम का नहीं होगा, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है ओड। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पुट x इक्वल टू 1, फिर पुट x इक्वल टू माइनस 1, जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बस ये काम करना है। उससे फायदा समझ में आ रहा है क्या होगा? जैसे तुमने x को 1 पुट करा तो जो इवन पावर वाली टर्म्स है उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सारे कोफिशिएंट ऐड हो गए। जब तुम माइनस 1 पुट करोगे दोबारा इवन वालों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ओड वाले किस में आ जाएंगे, माइनस में। जैसे करके देखते हैं, एक्स को 1 पुट करो क्या बनेगा, सारे कोफिशिएंट्स का सम आ गया, इवन वाले भी ओड वाले भी। जब तुम एक्स को माइनस 1 पुट करोगे तो जहां जहां एक्स की पावर वो तो सेम रहेगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर इवन प्लस 1, लेकिन जहां पर भी पावर ओड आ रही थी वो हो जाएगा माइनस में। तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो ओड पावर वाला तो कैंसिल हो गया, इवन पावर वाले कितनी बार ऐड होगे, 2 टाइम्स, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड। पल्ले पड़ रही है बात? और हर जगह काम करेगा। और फाइनली समझ गए होगे तीसरा किसका लिखेंगे, ओड का। तो अगर तुमसे कभी भी पूछ ले सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ओड पावर्स ऑफ x, तो कुछ नहीं करना, क्या करोगे, पहले x को 1 पुट करोगे, फिर x को माइनस 1 पुट करोगे और डिवाइड बाय कितना कर दोगे, 2। तो इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ये ट्रिक ना याद हो या ना पता हो तो सवाल बहुत लंबा हो जाता है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगा, नहीं तो कुछ नहीं करना, तो जितना ही मुश्किल बनाना चाहिए घटिया से घटिया सवाल बन जाएगा वो, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x
इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स के और पूरे की पावर है सिक्स. कुछ नहीं है सवाल में, कुछ मर्जी दे दे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता अभी इस टाइप में. उसने क्या पूछा है, इवन पावर्स का सम पूछे एक्स का, अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो कुछ नहीं करना. पहले एक्स की वैल्यू वन पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू वन पुट करो अंदर कितना बनेगा, टू की पावर सिक्स. फिर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करो कितना बनेगा, सिक्स बनेगा. क्या बताया था, दोनों को एड करो डिवाइड बाई टू. अगर ओड का सम निकालना हो तो क्या करते, बीच में माइनस निकाल देते, डिवाइड बाई टू, बस इतना करना है. कर लोगे क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कल कर लेंगे.